हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.1 समाप्त होने के बाद आज हम लोग क्लास 10 का 13.1 चैप्टर देखेंगे। तो 13.1 चैप्टर पहले सोच लीजिए, दिमाग में हटा लीजिए कि 13.1 चैप्टर है जो मस्ट VVI चैप्टर है। इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। और दूसरी बात आप लोग सुन लीजिए कि लॉकडाउन का डेट फिर 17 मई चला गया है। आप लोग को फिक्स है कि अगस्त के पहले जितने भी शिक्षण संस्थान है वो खुलने वाले नहीं है, एकदम कन्फर्म मान लीजिए। यदि जून में स्थिति समान हो जाती है तो जुलाई में जाकर के शिक्षण संस्थान खुलेंगे। अगर जुलाई में जाकर के स्थिति समान होती है तो अगस्त में जाकर के शिक्षण संस्थान खुलेंगे, सबसे लास्ट में आपका शिक्षण संस्थान ही खुलेंगे। तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को हम लेके आए हैं 13.1। 13.1 में मात्र दो को परमेय है, उस परमेय पर ध्यान रखिए। पहला है आपका रोले के परमेय, रोले का परमेय, ये कहता है कि यदि कोई फलन fx बराबर आपको गिवेन हो और अंतराल बगल में कर दिया हो a, b, तो रोले का परमेय क्या कहता है। रोले के परमेय कहता है कि सबसे पहले इसको हम लोग, ये परमेय नहीं कहता, ये हम कह रहे हैं f'x निकाल लेंगे तो कुछ ना कुछ इधर मालूम होगा। जैसे ही f'x निकल जाएगा तो बोलेंगे चूंकि fx अपने बंद अंतराल ab में संतत एवं खुला अंतराल ab में अवकलनीय हो, और इसके बाद क्या कहता है, यदि fa का वैल्यू fb के बराबर हो, fa बराबर ab हो तो a और b के बीच कम से कम एक ऐसा मान c प्राप्त होगा जहां f'c बराबर 0। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रोले के परमेय में ये नहीं कहता, ये हम अपना मन से लिख दिया। रोले के परमेय कहता किसी फलन fx के लिए, पहला बात वो क्या कहता है कि वह अपने बंद अंतराल ab में संतत होनी चाहिए, तो अब संततता की जांच करेंगे। दूसरी बात ये कहता है कि खुला अंतराल ab में अवकलनीय होनी चाहिए, तो एक बार संतत का हिसाब बनाएंगे, दूसरी बात अवकलनीय उसको करेंगे। तो कहता है कि, और तीन स्टेटमेंट इसका आता है, पहला बात कि बंद अंतराल में संतत को सत्यापित कीजिए, दूसरा बात कहता है खुला अंतराल ab में अवकलनीय को सत्यापित कीजिए, और fa बराबर fb सिद्ध कीजिए। ये तीन स्टेटमेंट हो गया। तो कहता है कि a और b के बीच कम से कम एक ऐसा मान c प्राप्त होगा जहां f'c बराबर 0। तो सोच लीजिए कितना लंबा होगा। याद कीजिए, जितने भी आप लोग फलन को अवकलन संतत और अवकलनीय हुआ है, यदि उसका अवकलन करें, संतत और अवकलनीय दोनों हुआ है, यदि उसको फलन को अवकलन करें, जितना को भी आपने संतत और अवकलनीय दोनों चेक किया सही हुआ, उसको यदि हम अवकलन करें तो उसका अवकलन निकल जाती है। तो हमने दिमाग लगा दिया कि कोई भी यदि फंक्शन दिया हुआ है अंतराल के साथ
तो उसको अवकलन कर लें। यदि अवकलन उसका हो गया तो वह फिक्स है कि उस अंतराल में फलन संतत होगी और खुला अंतराल में फलन उसका अवकलनीय होगा। तो इसीलिए हमने लिखा, यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर जीवन मतलब दिया हुआ हो तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेना, उसके बाद यह भाषा को लिखना पड़ता हिसाब में भी, तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स अपने बंद अंतराल एबी में संतत एवं खुला अंतराल एबी में अवकलनीय है और एफ ए बराबर एफ बी चेक करेंगे, एक्स के स्थान पर इसमें ए रखेंगे फिर एक्स के स्थान पर इसमें बी रखेंगे और देखेंगे दोनों और बराबर हुआ कि नहीं। अगर यहां बराबर नहीं हुआ तो बोल देंगे कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता और ए और बी के बीच कम से कम एक असमान, यदि इतना तक हो गया तो आगे बढ़ना, अगर नहीं हुआ तो ये बोल देंगे कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता और ए और बी के बीच कम से कम एक ऐसा मान सी प्राप्त होगा जहां एफ डैश सी का वैल्यू जीरो। अब यहां से सी का वैल्यू, इसका मतलब सी का मान प्राप्त करेगा रहा, तो इसका मतलब है कि सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स करके एक्स के स्थान पर सी रखिए और सी का वैल्यू प्राप्त कीजिए और सी वही सही होगा जिसका मान ए और बी के बीच में आया, यही तो रोले के प्रमेय। तो देखिए इस स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा आप लोग पूरी ताकि आपकी परेशानी ना हो। अब हम लोग दूसरा एगो प्रमेय बच रहा है लैंगरांजे का प्रमेय। या लैंगरांजे का माध्यमान प्रमेय, ये क्या कहता है, यदि एफ एक्स बराबर सेम टू सेम इसमें चला जाना इस बात को हटा देता और लिखता है हो तो ए और बी के बीच कम से कम एक ऐसा मान सी प्राप्त होगा जहां एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस सी। फिर वही काम, एफ बी निकालिए एफ ए निकालिए और बी माइनस ए कर दीजिए, घट हल कर लीजिए और सी का वैल्यू निकालिए। फिर वही दोनों एकदम लगभग सेम है, खाली रोले में एफ ए बराबर एफ बी दिखाना है, लैंगरांजे में ये नहीं दिखाना। और ये लैंगरांजे का माध्यमान जो प्रमेय आया है रोले के प्रमेय से ही सत्यापित हुआ, सत्यापित अगले वीडियो में करेंगे, तो आप लोग इसको छापिएगा तो छाप लीजिए और इस बात को प्रत्येक हिसाब में लिखना पड़ता है। एक हम बता देते हैं क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है नंबर के दृष्टिकोण से, अगर आप मन से पढ़े तो, क्योंकि ये चैप्टर से आप लोग देखिएगा कि जब भी पूछा है रोले के प्रमेय को सत्यापित करें तो जब भी पूछा है तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं आगे। तो एक्सरसाइज में आप लोग को सबसे पहले पहला से चौथा तक आप लोग को लिए छोड़ देते हैं, आप लोग को छोड़ देते हैं पहला से चौथा तक, हम एक वो बता देंगे आप लोग पांचवा से, हमें को पांचवा बता देते हैं और आप लोग कम से कम तो नौवा तक समाप्त करके आइएगा, सब एक ही प्रकार से है। पांचवा में आए रोले के प्रमेय को सत्यापित करें, पांचवा का आपका क्वेश्चन बता देते हैं, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका 8वां बता देते हैं, सातवां बता, आठवां बता देते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, अंतराल दे दिया -4, 2, 4। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ होगा और देखिए एनसीईआरटी से ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता, ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी पूछता है तो ये चैप्टर से क्वेश्चन केसी सिन्हा से ही पूछता है और जब भी पूछा मिला लीजिए बुक से, केसी सिन्हा से एक मैथ मिल जाए। चलिए तो इतना दिया हुआ है और कह दिया रोले के प्रमेय को सत्यापित करें, कैसे करेंगे जो जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस छ इंटू एक्स माइनस फोर
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छ इंटू एक्स माइनस फोर, और गुना कर लीजिए अलग ले, इजी हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस पांच एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पांच चौबीस एक्स माइनस छो चौबीस। तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस पांच चार नौ एक्स स्क्वायर प्लस बीस छो छब्बीस एक्स माइनस चौबीस। अब देखिए सबसे पहले क्या बताए थे कि यदि गिवन दिया हुआ है तो उसको एक बार अवकलन कर लेंगे। अवकलन क्यों किए जो मालूम होगा आप, क्योंकि संतत और अवकलनीय से बचना है तो अवकलन को करना है, और संतत और अवकलनीय से नहीं बचना है तो उसको इसको एक बार संतत चेक कीजिए एक बार अवकलनीय चेक कीजिए, काफी लंबा जाएगा। तो हम डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एक्स क्यू का अवकलन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नौ दुनी अठारह एक्स प्लस छब्बीस, अवकलन हो गया। लिखेंगे स्टेटमेंट, चूंकि एफ एक्स अपने बंद अंतराल दो चार में संतत एवं खुला अंतराल दो चार में अवकलनीय हो और रॉले के परमे है तो एफ ए बराबर एफ बी दिखाना है। तो एफ टू निकालिए, एफ टू निकालिएगा तो एक्स के स्थान पर टू रखिए, टू माइनस टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू टू माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर एफ फोर निकालिए तो टू फोर माइनस टू फोर माइनस थ्री फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, इसीलिए एफ टू बराबर एफ फोर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। एफ टू बराबर एफ फोर तो ए और सॉरी दू और चार के बीच कम से कम एक ऐसा मान सी प्राप्त होगा जहां एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। अब आप लोग एफ एक्स निकाले थे, सॉरी हमसे मीटर गया, इच्छे अब करके फिर से लाना पड़ेगा। x माइनस टू था, x माइनस थ्री था, x माइनस फोर था, तो एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छ इंटू एक्स माइनस फोर, तो एक्स क्यू माइनस पांच एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस बीस एक्स अब माइनस चौबीस, तो एक्स क्यू माइनस नौ एक्स स्क्वायर अब प्लस छब्बीस एक्स अब माइनस चौबीस, अब कलन करेंगे तो एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस अठारह एक्स प्लस छब्बीस। देखिए एफ डैश एक्स इतने था, तो एफ डैश एक्स और एफ डैश सी में क्या अंतर है? यहां पे एक्स के स्थान पर सी रख देंगे तो सी के रूप में आ जाए, तो थ्री सी स्क्वायर माइनस अठारह सी अब प्लस छब्बीस इक्वल टू जीरो। अब बस अब कलन कीजिए, सॉरी सी का वैल्यू निकालिए, तो सी बराबर हम यहां से क्या बोल सकते हैं, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तब फोर ए का वैल्यू थ्री सी का वैल्यू छब्बीस अबटा टू ए का वैल्यू थ्री बराबर अठारह प्लस माइनस रूट अंदर तीन सौ चौबीस अमान चार तिया बारह छब्बीस दूनी बामन और छब्बीस दो छ पांच ग्यारह तीन सौ बारह अब अटा छ बराबर अठारह प्लस माइनस अंदर रूट बारह अब अटा छ
बराबर 18 प्लस माइनस 2√3 अबटा 6/2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 9 प्लस माइनस √3/6 2 6 = 9 प्लस माइनस √3/3। अब देखिए इसमें प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, तो सी का दोनों वैल्यू आंसर नहीं होगा, कोई एक ही वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखे हैं 2 और 4 के बीच एक वैल्यू प्राप्त होगा, तो 2 और 4 के बीच कम से कम एक मान, ऐसा एक ऐसा मान सी प्राप्त होगा। इसका मतलब 2 और 4 के बीच, तो किसका किसका वैल्यू 2 और 4 के बीच आएगा? तो यहां देखिए 9 और इसका वर्गमूल लगभग 1.73, तो 9 अति 1 10, 10 काटेंगे 3 से तो 3 point something आएगा, प्लस वाला तो होगी, और माइनस में से 9 में से घटेगा 2.something, दोनों आंसर देगा। और जब भी देता तो यही वाला देगा, ऐसने देता। और एक बात यहाँ ये ध्यान रखिए, ये कैसे हम हल किए, तो आपने पढ़ा होगा दसवां में x = -b + √√2b² - 4ac y2। इसको भूलेंगे हम लोग कभी नहीं, बी स्क्वायर पढ़े होंगे, तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू -18 और बी स्क्वायर यहाँ किए 4ac/2a कर दिए, हल हो गया। तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, आप लोग 5वां से शुरुआत कीजिए और 8वां तक रेगुलर बनाते जाइए। थैंक यू।